व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो अरलदी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। दर्शनार्थी बनकर के थोड़ा सा राइट करिए, जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब, जब आएगी तो बताएंगे लोगों को, अभी मेरे जानकारी में नहीं, आपको जानकारी मिल गई होगी। जब किसानों पर राजनीति करने वाले खत्म हो गए, चूंकि आज उनके सीधे खाते में पैसा जा रहा है। बंगाल और बिहार के बाद लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भी इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लग सकता है। बंगाल में जहां ममता दीदी ने अकेले 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर इंडिया को बड़ा झटका दिया, वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए की डोर पकड़कर झटके पे झटका दे दिया। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में किसानों की दल कहलाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के पाला बदलने की चर्चा तेज हो चली है, लेकिन सपा का दावा है कि केवल अफवाह है, इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है। तो एनडीए के घटक दल के नेता और यूपी के मंत्री संजय निषाद इस चर्चा में हकीकत देख रहे हैं। आइए सुनते हैं सपा की सांसद डिंपल यादव ने आरएलडी पर क्या बोला। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। डिंपल यादव के इस बयान के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी इस मुद्दे पर आया है। उन्होंने इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं बोला। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस सब साथ आ गए थे, तब भी इनका सुपड़ा साफ हो गया था, और 2024 में ये साथ साथ आए चाहे अलग अलग लड़ें, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा, कमल खिलेगा, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही वो होती रहेगी, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनकी अंदर से चूल्हे हिल रही, उनको लग रहा है भ्रष्टाचारियों को मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, तो सही बात है कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीत। जब आएगी तो आप बताएंगे लोगों को, अभी मेरे जानकारी में नहीं, आपको जानकारी मिल गई होगी। उप मुख्यमंत्री के बाद यूपी के ही मंत्री और एनडीए के घटक दल के नेता संजय निषाद की टिप्पणी भी इस पर आई। वो भरोसा जता रहे हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी भी एनडीए का पार्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि चार ही लोग देश में है जिनको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था, उसमें मोदी जी कहते हैं ना, किसान है, नौजवान है, गरीब और महिलाएं हैं। तो किसानों पर राजनीति करने वाले लोग, जब किसान की काम हम कर रहे हैं, उनका गन्ना है, मूल्य है, कृषि का जो है, जब किसानों पर राजनीति करने वाले खत्म हो गए, चूंकि आज उनके सीधे खाते में पैसा जा रहा है, जो है किसान सम्मान निधि है, किसानों के हितों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, तमाम बीमा है, तमाम सब्सिडीज है, तमाम नई टेक्नोलॉजी है, शिक्षण प्रशिक्षण है, आज के दिन में हाईटेक खेती कराई जा रही है, उनके आय दुगुनी की जाती है, तो जो किसान हमारे तरफ आ रहे हैं तो नेता कहाँ जाएंगे। तो किसानों में राजनीति करने वाले नेता, मैं तो पहले ही बता दिया था, समय आने दीजिए, सारे नेता आएंगे जिस पर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद का जयंत चौधरी के मुद्दे पर बोले, तो फिर भला अखिलेश यादव कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने आरएलडी के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा मुखिया ने कहा कि जयंत चौधरी एक परिपक्व नेता हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने की सुगबुगाहट को बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सेकुलर लोग हैं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है
तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की एनडीए में जाने की चर्चा पर आपने सपा, बीजेपी और निषाद पार्टी के नेताओं की बात को सुना। सपा नेताओं के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, उनके बीजेपी के साथ जाने की बात महज एक अफवाह है। लेकिन जिस तरह की बात यूपी के मंत्री संजय निषाद और मुस्कुराहट के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही है, उससे उत्तर प्रदेश में किसी नई सियासी खिचड़ी के पकने की संभावना लगती है। हालांकि जाने और न जाने की तमाम संभावनाओं में कितना दम है ये जयंत चौधरी से बेहतर कोई नहीं जानता, मगर इस सुगबुगाहट पर उनकी चुप्पी इंडिया को हैरान तो सपा को परेशान करने वाली है, क्योंकि आरएलडी मुखिया इंडिया की बैठकों में शामिल रहे और वो गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं सपा से उनकी सीट बंटवारे तक की बात भी लगभग फाइनल हो चुकी है। अखिलेश और जयंत की लखनऊ में बैठक के बाद सपा की ओर से 7 सीटें आरएलडी को देने की घोषणा की गई थी। ऐसे में अगर जयंत चौधरी अलग होंगे तो निश्चित ही तीसरा बड़ा झटका चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लगेगा और इस झटके की झंझनाहट सपा को कुछ ज्यादा ही सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।